असम स्थित मीडिया आउटलेट DY365, असम लाइव 24 और नॉर्थ ईस्ट नाउ ने रिपोर्ट किया कि गुवाहाटी में 26 रोहिंग्या मुसलमानों को फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया था। नॉर्थ ईस्ट नाउ ने लिखा कि ये लोग दिल्ली जाने की योजना बना रहे थे। एंकर नंदन प्रतिम शर्मा बोरदुलोई के 40,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। उन्होंने दावा किया कि 26 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से अवैध रूप से असम में प्रवेश करने के बाद गुवाहाटी में पल्टन बाजार से पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह दावा DY365 के संपादक अतनु भुयन, असम स्थित मीडिया प्रोफेशनल शैलेंद्र पांडे और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरिओम ने भी किया। गूगल पर एक कीवर्ड सर्च करने से हमें उस घटना से संबंधित असम ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द शिलोंग टाइम्स और द सेंटिनल की रिपोर्ट्स मिली। हमें मालूम पड़ा कि 12 सितंबर को गुवाहाटी में म्यांमार के 26 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इनमें से कोई भी रोहिंग्या समुदाय से नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 10 महिलाओं सहित 26 म्यांमार नागरिकों को IPC की धारा 468, फॉरनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920 और पासपोर्ट नियम 1950 के तहत गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय पुलिस की सूचना के बाद इस ग्रुप को गुवाहाटी के रेहबारी इलाके में कामरूप लॉज से पकड़ा गया था। पुलिस के अनुसार ये सभी सुबह करीब 7 बजे 2 SUV गाड़ियों में मिजोरम की राजधानी आइजोल से निकले थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से मालूम चलता है कि ये लोग म्यांमार के चिन प्रांत के नागरिक थे और बाइबल की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने उनके पास से जाली भारतीय दस्तावेज जैसे आधार और वोटर कार्ड बरामद किए जो मिजोरम में बनाए गए थे। ऑल्ट न्यूज ने पान बाजार पुलिस स्टेशन में मौजूद ACP से भी बात की। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि पकड़े गए लोगों में से कोई भी रोहिंग्या मुस्लिम नहीं था, ये सभी लोग ईसाई धर्म का पालन करने वाले लोग थे। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि एंकर नंदन प्रतिम शर्मा बोरदुलोई ने जो तस्वीर पोस्ट की थी वो 2017 की थी और न्यूज रिपोर्ट्स में जगह पा चुकी थी। कुल मिलाकर असम स्थित मीडिया आउटलेट्स और पत्रकारों ने यह फर्जी रिपोर्ट पेश की कि 26 रोहिंग्या मुसलमानों को 12 सितंबर को गुवाहाटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।